जनक सुता नाता जोड़ा कैसी सुंदर जोड़ी राम पति पावन कैसी सुंदर जोड़ी राम पति पावन सीताराम राज तिलक की हुई तैयारी के कई ने सब बात बिगाड़ी राज तिलक की हुई तैयारी तभी तो बन को चल जिए राम पति पावन सीताराम तभी तो बन को चल जिए राम पति पावन सीताराम पंचपटी में कुटी बनाई सुर्प नखा की नाक उड़ाई पंचवटी में कुटी बनाई सुर्प नखा की नाक उड़ाई तभी खरदूषण मारे राम पति पावन सीताराम मेघनाथ ने शक्ति जलाई लक्ष्मण जी को मूर्छा आई मेघनाथ ने शक्ति जलाई लक्ष्मण जी को जट संजीवनी लाए हनुमान पति पावन सीताराम जट संजीवनी लाए हनुमान पति पावन सीताराम मेघनाथ कुंभकर्ण कुमारा रावण नामी शीश उतारा मेघनाथ कुंभकर्ण कुमारा रावण नामी शीश उतारा भरत लाल ने सुता बनाई हनुमान जी ने खबर सुनाई भरत लाल ने सुता बनाई हनुमान जी ने खबर सुनाई तब मन से आ गए भगवान पति पावन सीताराम वन से आ गए सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम बोलो राम भक्त हनुमान की जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनउ रघुबर बिमल जश योदायक फल चारि बुद्धिहीन तन जान के सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मन हर होते सुधार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर देव लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम भज
कंचन वरण विलास सुमेधा कानन कुंडल कुंचित केसा आठ वज्र सजा विराज चांदी मूर्त जनेऊ उतारे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अनुचातुर काज करने को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिएहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा नीम रूप धरि असुर संहारे राम चंद्र के काज सवारे नायक जीवन लखन जियारे श्री रघुवीर हर सिउर लारे रघुपति की ने बहुत बड़ाए तुम हम प्रिय बलि संतादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अरीसा यम कुबेर दिग भाल जाते कवि कोविद कह सके कहात तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए आज पद दीना तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग चैत्र जोनल पर धारा ताहि मधुर बल जाना प्रभु मुद्रिका में मुख माने जल दिलांग गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब चुप रहे तुम्हारी चरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारोह आते तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महामीर जब नाम सुनावे नाचे लोग हरे सब पीरा जब तन रहे हर हनुमत मीरा संकट से हनुमान चुरावे मन का वजन ध्यान बुलावे तपस्वी राजा जिनके काल सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर लाभ तुम्हारा है पर सिद्ध जगत साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआ अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अजवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरो पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे मजन राम सो भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता जितना डरे हनुमत से हर भक्त संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुन रहे हनुमत बल धीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शत बार पाठ कर तो छूटे बंद महास को जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी तुलसीदास सदा हरि तेरा की जय नाथ महेरा संकट मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसंस रूप श्याम रामचंद्र की राजा मर्दन पवन भयानु वैष्णव संतन की जय बोलो वैष्णव भक्तन की जय गुरुदेव हनुमान जी की कृपा से आज हम सातवें दिन की कथा में प्रवेश कर गए हैं। सात दिन से कथा चल रही है तो आज के प्रसंग में प्रथम अर्जुन जी का गर्भ भंग। मेरे प्यारे सत्संगी भाइयों व माताओं, गर्भ भगवान को अच्छा नहीं लगता। हम भौतिक जीवों को, बद्ध जीवों को गर्व हो जाता है। अर्जुन जी को भी गर्व हो गया। वैसे गर्व की दूसरी कथा है
वो बड़ी अच्छी कथा है। जब भगवान कृष्ण द्वारका में थे, द्वारका लीला में थे, जब भगवान माता सत्यभामा भगवान की पटरानी, उनको ये गर्व हो गया कि मैं बहुत सुंदर हूँ, भगवान मेरे पास बैठे रहते हैं। उधर से चक्र जी को हुआ कि अगर मैं द्वारका की रक्षा नहीं करूं तो भगवान सुरक्षित नहीं है। तीसरे गरुड़ जी को हो गया, गरुड़ जी सोचने लगे अगर मैं अपनी पीठ पर भगवान को कहीं नहीं ले जाऊं तो कहीं जा ही नहीं सकते। ये तीनों भगवान के पार्षद हैं। भगवान ने चक्र जी को बुलाया और कहा कि आप आज मेरी द्वारका में किसी को नहीं आने देना। उधर से गरुड़ जी को बुलाया, गरुड़ जी को कहा जब मेरा भक्त है, मेरे रौम रूप का भक्त इस जगह बैठ के मेरा भजन कर रहा है, उनको बुला के लाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, भक्तों के रखवाले राम, भक्तों के रखवाले राम, धनुषवान धारी राम, धनुषबाण धारी राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गरुड़ जी महाराज जट गए और हनुमान जी भजन में थे अपना। हनुमान जी से ये शिक्षा लो, सदा प्रभु का भजन करो, नाम करो, बस। राम न सके हैं नाम गुण गाए, नाम कितनी महिमा है, नाम की महिमा अगाध है। तो गरुड़ जी पूछे, बोला चलो आपको भगवान बुला रहे हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं चलते हैं। अब बोले जल्दी चलो, बोले चलते हैं। फिर हनुमान जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, हनुमान जी ने पकड़ा थोड़ा मरोड़ मरार के गरुड़ जी को समुद्र में फेंक दिया और खुद आगे आगे। भगवान सत्यभामा जी के साथ बैठे हुए थे, तो जब हनुमान जी ने प्रवेश किया तो ठाकुर जी कहते हैं देखो देवी, ये मेरे राम रूप का भक्त है, मैं राम बनने जा रहा हूं और तुम सीता बन जाओ। सत्यभामा माता को थोड़ा गर्व था कि मैं ऐसे ठीक हूं, मुझे क्या जरूरत है सीता बनने का, तुम्हारी इच्छा। हनुमान जी आए अपने भगवान जट राम बन गए, पर मुरली भगवान हटाना भूल गए, मुरली भगवान ही रखी। प्रणाम किया भगवान को, प्रभु ये मुरली रखना करते शुरू कर दिया आपने। भगवान पूछते हैं हनुमान जी जब आप मेरी द्वारका में आए, आपको किसी ने रोका नहीं कि तुम्हारा वो घूम 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 घूम, फिर मैंने पकड़ कर मुंह में रख लिया, मुंह खोला चक्र जी को दर्शन करके अपने आराध्य भगवान के। हनुमान जी चले गए, इतनी देर में गरुड़ जी आ गए। गरुड़ जी कहते प्रभु आपने मुझे उस उदंड बंदर के बाद भेजा, ये तो वो तो मुझे मिलके भी चला गया। अच्छा, तीनों का गर्भ, गरुड़ शंख अपना ये चक्र और माता जो हैं, तीनों का गर्भ भगवान ने चूर कर दिया सत्यभामा। तो देखो अहम नहीं करना, जब भगवान की शरणागत हो जाते, कभी अहम आ जाता है तो भगवान उसकी सफाई कर देते हैं,
अर्जुन जी के गर्वभंग का प्रसंग है। अर्जुन ने एक बार बात ही बात में श्री कृष्ण से कहा कि आपने राम अवतार में पुल बांधने के लिए इतना बड़ा आयोजन किया क्यों किया? बानों से पुल बांध देते, बेचारे बानरों को झूठ मूठ क्यों परेशान किया? भगवान ने हंसकर कहा, अच्छा तुम बानों से समुद्र के एक छोटे से अंश पर पुल बांधो, मैं तुम्हें बताता हूँ। अर्जुन ने आनन फानन में पुल बांध दिया। भगवान ने हनुमान जी का स्मरण किया, वे तुरंत पहुँचे और भगवान की आज्ञा से वे बानों के उस पुल पर चढ़े। उनके चढ़ते ही वह पुल चरमर कर टूटने लगा, तब वे उस पर से उतर आए। अर्जुन ने देखा कि भगवान की पीठ पर खून लगा हुआ है, समुद्र का जल लाल हो गया है। पूछने पर मालूम हुआ कि यदि भगवान कच्छप रूप से अपनी पीठ लगाकर उस पुल को ना रोकते तो वह हनुमान के लिए, हनुमान को रसातल को चला जाता, हनुमान को लिए रसातल को चला जाता और अर्जुन की बड़ी हंसी होती। भगवान ने कहा, वहां ऐसे अनेकों वानर थे, वे बाण के पुल पर कैसे जाते? इस तरह भगवान ने अर्जुन जी से के द्वारा अर्जुन का गर्व भंग किया। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा से हनुमान जी की बड़ी आराधना की। अर्जुन जी ने वर दिया कि मैं सर्वदा तुम्हारी सहायता करूंगा और भावी युद्ध में रथ पर बैठकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगला प्रसंग जो है भीमसेन के गर्भ का आ रहा है। एक बार भीमसेन जी महाराज द्रौपदी जी के लिए सुगंधिक नाम वाले सहस्र दल कमल को लाने के लिए बद्रिकाश्रम से ईशान कोण की ओर गए। चलो भी थोड़ी देर के लिए बद्रिकाश्रम चलते हैं। आहा, बद्रिकाश्रम बहुत सुंदर है। भीमसेन जी वहाँ पहुँच गए हैं पर बद्रिकाश्रम वाले संत तो यहाँ बैठे हुए हैं, चलो तो वापस आ जाते हैं, इनके होते हुए कभी जाएंगे। गंधमादन पर्वत पर कई योजन लंबा चौड़ा एक केले का वन उनको मिला। गर्जना करते हुए ये उसके भीतर घुस गए। इसी में हनुमान जी रहते थे, उनको भीम के आने का पता लगा था, अतः वह कदली वन में होकर स्वर्ग को जाने वाले संकरे मार्ग को रोककर एक मोटी शिला पर लेट गए थे। बोलो राम भक्त हनुमान की जय। वहां लेटे लेटे जमाई लेते हुए जब वे अपनी पूंछ फुटकारते तो उसकी प्रतिध्वनि सब ओर फैल जाती, इससे वह महापर्वत डगमगाने लगता था। उस शब्द को सुनकर भीमसेन जी रुके और ढूंढते हुए वे वहां पहुंचे। हनुमान जी को अकेला देख वे उनके पास चले गए। हनुमान जी ने उपेक्षा पूर्वक उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं रोगी हूँ, यहाँ आनंद से सो रहा था, तुमने मुझे क्यों जगा दिया? तुम्हें जीवों पर दया करनी चाहिए, तुम्हारी प्रवृत्ति क्रूर कर्मों
में क्यों होती है? ज्ञात होता है तुमने विद्वानों की सेवा नहीं की है। तुम हो कौन, यहाँ क्यों आए हो? आगे यह पर्वत अगम्य है, तुम यहीं से लौट जाओ। भीमसेन जी ने जब अपना परिचय दिया तो हनुमान जी ने कहा कि मैं तो बंदर हूँ, तुम्हें इधर होकर नहीं जाने दूंगा, यही तो यहीं से लौट जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। भीमसेन बोले, मैं तुमसे इस विषय में तो कुछ पूछता नहीं, तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दे दो। हनुमान जी बोले, मैं रोग से पीड़ित हूँ, यदि तुम्हें जाना ही है तो मुझे लांग कर चले जाओ। भीमसेन जी बोले कि भगवान सब शरीरों में व्याप्त हैं, इसलिए मैं लांग कर उनका अपमान नहीं करूंगा। यदि मुझे यह ज्ञान ना होता तो तुम्हें क्या इस पर्वत को भी लांग जाता, जैसे हनुमान जी समुद्र को लांग गए थे। मैं बल पराक्रम में और तेज में उन्हीं के समान हूँ, इसलिए तुम खड़े हो जाओ और मुझे रास्ता दे दो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें यमपुरी में भेज दूंगा। हनुमान जी बोले कि बुढ़ापे के कारण शरीर में शक्ति नहीं है, इसलिए कृपा करके मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। यह सुनकर भीमसेन अवज्ञापूर्वक हंसकर अपने बाएं हाथ से पूंछ उठाने लगे, किंतु बैठक से मस ना हुई। बोलो राम भक्त हनुमान की जय, बोलो भीमसेन जी महाराज की जय, बोलो जय धीरे बोलने वालों की जय। तब उन्होंने दोनों हाथ लगाए, फिर भी वह उठाने में असमर्थ रहे। तब उन्होंने लज्जा से सिर नीचा कर लिया और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर अपने कटु वचनों के लिए क्षमा प्रार्थी हुए और बोले कि कृपा करके आप अपना परिचय दीजिए कि आप वानर श्रीधारी कौन हैं। हनुमान जी का परिचय जानने के बाद भीमसेन जी ने प्रार्थना की कि हे वीरवर, समुद्र लंघन करते समय आपका जो रूप था उस रूप में मुझे दर्शन देने की कृपा करें। हनुमान जी ने कहा, उस रूप को तुम देख नहीं सकते हो, व्यर्थ आग्रह मत करो। भीमसेन का हट देकर हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाया। यह विशाल विग्रह देखकर भीमसेन विस्मित हो गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए। वह विग्रह तेज में सूर्य के समान था और सोने का पर्वत ही जान पड़ता था। भीमसेन प्रार्थना करने लगे, अब आप अपनी इस स्वरूप को समेट लीजिए, आप मेनाक पर्वत के समान और दुरादर्श जान पड़ते हैं। मैं आपकी और देख नहीं सकता। अभी अगला प्रसंग जो है, भीमसेन जी का मानवर्धन हुआ, अर्जुन का हुआ। अभी अगला प्रसंग आ रहा है बाली बद और सुग्रीव मैत्री भगवान से। ना सर्वे भ्रातरस्ता भवंती भरतोपमा मद्विदा वा पितु पुत्र सुहृदो वा भवद विदा। श्री राम जी सुग्रीव से कहते हैं, भैया सब भाई भरत के समान आदर्श नहीं हो सकते, सब पुत्र हमारी तरह पितृभक्त नहीं हो सकते,
और सब सुहृद तुम्हारी तरह दुख के साथी नहीं हो सकते। सब संबंधों के एकमात्र स्थान श्री हरि ही है। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी, ना लगना कुछ तेरा मोह, ना लगना कुछ तेरा मोह, केशव माधव गोविंद हो, केशव माधव गोविंद हो, शबरी अहल्या सदन कसाई, शबरी अहल्या सदन कसाई, नाम जपन ते मुक्ति पाई, नाम जपन ते मुक्ति पाई, नाम की महिमा है बेतो, नाम की महिमा है बेतो, केशव माधव गोविंद हो, केशव माधव गोविंद हो, भव सागर तरना, जो चाहे भव सागर तरना, मिट जाए जीना और मरना, मिट जाए जीना और मरना, पाप की गठरी सर से खो, पाप की गठरी सर से खो, केशव माधव गोविंद हो, केशव माधव गोविंद हो। देखिए भव सागर से पार होना ये जीवन का उद्देश्य है, जन्म लेना मरना ये समाप्त करना इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो जब तक पाप हमारे सरों पर हैं, पाप रूपी कटोरी जब तक सर पर है तो ये संभव नहीं है, तो पाप की कटोरी कैसे उतरेगी नीचे। केशव माधव गोविंद हो, केशव माधव गोविंद हो, हरे कृष्ण 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 मोहन, हरे कृष्ण बोल, हरे राम 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 बोल, हरे राम 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 बोल, दुनिया है ये गोरख धंधा, दुनिया है एक गोरख धंधा, भेद समझा है कोई बंदा, वेद समझा है कोई बंदा, ब्रह्म स्वरूप
तराजू तो ब्रह्म स्वरूप तराजू तो केशव माधव गोविंद केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव केशव माधव गोविंद गोविंद माधव कृष्ण मुरारी गोविंद माधव कृष्ण मुरारी नटवर नागर गिरिवर धारी नटवर नागर गिरिवर धारी नाम का अमरत पीनित घो नाम का अमरत पीनित घो केशव माधव गोविंद घो केशव माधव गोविंद हरे कृष्ण हरे राम गो हरे कृष्ण हरे राम भगवान की शरण होना भगवान के हाथों में अपने जीवन की डोरी सौंपना, जब हम भगवान के हाथों में अपने जीवन की डोरी सौंपते हैं तो जीवन की डोरी सौंपने से भगवान दयामय सर्वशक्तिमान सब कारणों के कारण सबके स्वामी पूर्ण रूप से हमारा ध्यान रखते हैं। ये चल रही है अवानी आदि तो तो आवश्यकता इस बात की है भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपे हम। आज हम जो दुनिया में लोग हैं भगवान से विमुख हैं। संदेश ये है हम भगवान के उन्मुख हो जाएं, तभी हमारा जीवन सफल होगा। अगर हम भगवान से विमुख रहे तो जीवन हमारा विफल रहेगा, सफल नहीं होगा। सब संबंधियों सब संबंधों के एकमात्र स्थान श्री हरि ही हैं। उनसे जीव जो भी संबंध जोड़ा जाए उससे पूरा निभाते हैं, भगवान निभाते हैं पूरा। सच्ची लगन होनी चाहिए, लगन सच्ची होनी चाहिए। हमारी लगन सच्ची नहीं है लेकिन प्रयासरत रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। मीरा जी की लगन सच्ची थी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। ऐसी लगन मीरा हो
महलों में परी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन, लोग गली गली नारी गुन गाने लगी, ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरे गुण गाने लगी, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगे, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरे गुण गाने लगी, ऐसी लगी लगन राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मेरा सागर में सरिता समाने लगी, मेरा सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे, वो तो गली गली हरी गुण लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरे गुण गाने लगे, ऐसी देखो भगवान के साथ लगन सच्ची होनी चाहिए, तो फिर भाई अभी लगन हमारी सच्ची नहीं है कैसी लगेगी, संत समझाते हैं प्रयास करते रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए, छोड़ना नहीं किसी हालत में, एक दिन ये शरीर छूट जाएगा जो भगवान से हमने लगन लगानी है उसका अगर हम प्रयास कर रहे हैं नहीं लग रही है पर लगे रहना है, उसमें ही हमारा कल्याण और भला होगा, एकनिष्ठ प्रेम होना चाहिए, प्रेम पाश में बंध कर प्रभु स्वामी बनते हैं, देखो भगवान प्रेम के वशीभूत होते हैं, राम है केवल प्रेम प्यारा, जान लई सो जान नहारा, बेसखा सुहृद भाई पुत्र सेवक सभी कुछ बनने को तैयार है, उन्हें शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं, वे तो सच्चा स्नेह चाहते हैं, प्रभु तरु तर कपी डार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम सो सा।
एक महीना बाद गुफा में से एक रक्त की धार निकली। सुग्रीव ने समझा मेरा भाई मर गया है, अतः उस गुफा को एक बड़ी भारी शिला से ढककर मैं किष्किंधपुरी में लौट आया। मंत्रियों ने जब राजधानी को राजा से हीन देखा तो उन्हें सुग्रीव को राजा बना दिया। थोड़े दिनों में बाली आ गया। सुग्रीव को राज गद्दी पर बैठा देखकर मैं बिना ही जांच पड़ताल किए क्रोध से आग बबूला हो गया और उसे मारने को दौड़ा। सुग्रीव भी अपने प्राण रक्षा के लिए भागा। भागता भागता मैं मतंग ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। बाली वहां शापवश जा नहीं सकता था, अतः मैं लौट आया। कम करो ऊपर से। बाली वहां शापवश जा नहीं सकता था, अतः मैं लौट आया और सुग्रीव का धन स्त्री आदि सभी उसने छीन लिया। राज्य स्त्री और धन के हरण होने पर दुखी सुग्रीव अपने हनुमान आदि चार मित्रों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगा। जिस समय भगवान श्री राम जी पिताजी की आज्ञा पालन करते हुए पंचवटी में रह रहे थे, जानकी जी को ढूंढते हुए शबरी मैया को कृतार्थ कर उनके बताए ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचे। सुग्रीव को शंका हुई कि राजकुमारों को बाली ने मेरे मारने के लिए ना भेजा हो, श्री हनुमान जी को परिचय जानने के लिए भेजा। ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री हनुमान जी आए और परिचय पूछा। परिचय पूछकर जब स्वामी को पहचाना तब उनके चरणों पर गिर पड़े, रोते रोते कहने लगे, एकु मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोगे बिसारियो दीन बंधु भगवान, पुनि प्रभु मोहे बिसारियो दीन बंधु भगवान। श्री राम जी ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। तभी से श्री हनुमान जी भगवान के श्री चरणों में के समीप ही रहे। अभी अगला प्रसंग लंका दहन का आ रहा है। श्री हनुमान जी प्रार्थना से श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया। राज्य भोग में सुग्रीव को तल्लीन होते हुए देख हनुमान जी ने उन्हें सावधान किया। श्री हनुमान जी वानरों को एकत्रित कर लाए। भगवान श्री राम जी ने उन्हें मुद्रिका दी। वानर दल के सहित श्री हनुमान जी सीता माता को खोजते खोजते समुद्र के किनारे पहुंचे। अब 400 कोस का समुद्र लांघकर सीता जी को सुध लेने का प्रश्न आया। तब किसी ने भी लंका जाकर आने की बात नहीं कही। तब श्री जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण दिलाकर कहा कि हनुमान, राम काज लागी तब अवतारा, राम काज लागी तब अवतारा।
अंतहु भयो पर्वतकारा भयो पर्वताकारा सुनते ही भयो पर्वतकारा सुनते ही भयो पर्वतकारा बोलो राम भक्त हनुमान की जय। वे आकाश मार्ग से उड़े श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के कृपा पात्र हैं। ये सब राम जी की कृपा है। भगवान की कृपा प्राप्त कर साधक जब भक्ति को प्राप्त करने का साधन करता है तो बाधाएं आती हैं। एक है पहली शारीरिक आराम, पांच कर्म इंद्रियों के विषय रस तृष्णा से श्री हनुमान जी के मार्ग में भी आए। जब मेनाक पर्वत आया तो उसने कहा कि मेरे ऊपर आराम करो। तब श्री हनुमान जी ने कहा, मेनाक पर्वत कहते हैं आराम करो, हनुमान जी कहते हैं राम काज कीने बिनो मोहे कहाँ विश्राम। हर समय राम कार्य में हनुमान जी लगे रहते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय सारे बोलो जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय जय राम। तत्पश्चात देवताओं के द्वारा भेजी हुई नाग माता सुरसा को संतुष्ट करके समुद्र में छिपी तुष्णा रूपी राक्षसी को मार लंका पहुंचे। द्वार पर लंकनी को एक घूंसा मार कर मुक्त कर छोटा रूप धारण कर लंका में रात्रि के समय प्रविष्ट हुए। सारी रात सीता जी की खोज करते रहे। श्री हनुमान जी रावण के महल में भी गए। वहाँ रावण सहित बहुत सी देवांगनाओं को सोया देखा। एक बार तो श्री हनुमान जी ने सोचा कि इन्हीं में सीता जी होंगी। फिर संभले और निर्णय लिया कि भारत भूमि पर प्रकट होने वाली मेरी माता देवी सीता पर पुरुष के महल में नहीं सो हो सकती। ये विचार कर आगे बढ़ गए। ब्रह्म मुहूर्त हुआ भविष्य के घर के सामने पहुँचे तो देखा आंगन में तुलसी का पौधा है। बोलो तुलसी माता की जय। दरवाजे पर राम नाम लिखा हुआ है। श्री हनुमान जी ने सोचा यही भक्त के लक्षण है, लंका में भक्त कहाँ से आ गया। ऐसा विचार कर ही रहे थे कि इतनी देर में भविष्य जी जागे और जागते ही राम राम ते ही सुमिरन कीना 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 हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना 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 एही सन हटि करहूं पहचानी सन हट कर हूँ पहचानी साधु ते होए नकार जहानी साधु ते होए नकार जहानी। भविष्य जी ने से मिलकर जानकी के मिलने की मुक्ति पूछ कर श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे।
अभी देखो जब हनुमान जी की भविष्य जी से भेंट हुई, जब दो संत मिलते हैं अच्छी आत्मा मिलती है तो वो प्रभु की चर्चा करते हैं। भविष्य जी कहते हैं हनुमान जी को, मैं यहाँ लंका में ऐसे रह रहा हूँ जैसे 32 दांतों में जीव रहती है, जीव थोड़ी सी कुताही करे दांत काट देंगे उसको। आप हनुमान जी कितने महान हो, भगवान का कार्य करने आए हो। हनुमान जी कहते हैं मैं जाति का बानर हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे प्रभु सर्व समर्थ हैं, लेकिन उनकी कृपा देखो, उन्होंने मुझे अपनी सेवा प्रदान की है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। अब जैसे महाभारत का युद्ध कृष्ण भगवान ने किया था, लेकिन निमित्त बना दिया बीच में अर्जुन। हम भक्त बने और भगवान की सेवा में निमित्त बने, वो ही हमारे जीवन की। वही हमारे जीवन की सार्थकता है। भक्त बने तो भगवान देखेंगे मेरा अच्छा भक्त है, या मेरी अच्छी भक्त है, तो भगवान अपनी सेवा उसको देंगे। तो हनुमान जी ने एक शब्द कहे, मेरे प्रभु श्री राम सर्व समर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपना कार्य अपनी सेवा उन्होंने मुझे दी। तब भविष्य जी ने भी कहा, अब मौके भाव भरोस हनुमंता, अब मोहे भाव भरोस हनुमन, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भविष्य जी कहते हैं मैं बड़ा भाग्य को पहुंचता था, कहा मैं राक्षसों के बीच में पैदा हो गया, मेरी बड़ी दुर्गति है यहाँ। लेकिन हनुमान जी मुझे भी ये भरोसा हो गया है कि मेरे पर भी हरि की कृपा है, कि आप बिनु हरि कृपा मिले नहीं, आप जैसे संत के मुझे दर्शन हुए। तो हमें भगवान श्री राम की कृपा की याचना करनी चाहिए। वैसे ऐसा भी कहा कि राम जी की कृपा तो है पर हम लेते नहीं कृपा, क्योंकि हम विषय विकारों में अपने मन को लगा बैठे हैं। विषय विकारों में हमारा मन फंस गया है, इसलिए हम भगवान की कृपा नहीं ले पाते। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, विषय विकारों से मन को हटाना है और श्री राम जी के चरणों में लगाना है। तो वार्तालाप दोनों भक्त करके हनुमान जी और भविष्य जी जानकी जी को मिलने के लिए पूछ करके श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे। जानकी जी के दर्शन कर प्रभु का संदेश तथा मुद्रिका दे माता का आशीर्वाद प्राप्त किया, भगवान का संदेश दिया। तब माता से आज्ञा ले अशोक वाटिका को उजाड़ डाला, रावण के भेजे राक्षसों क्या हो रहा है भाई, उसको पूछो जरा क्या हो रहा है। अशोक वाटिका को उजाड़ डाला, रावण के भेजे राक्षसों तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार को मार लिया। मेघनाथ इन्हीं बांधकर राज सभा में ले आए, वहां रावण के को बहुत समझाया, लेकिन अभिमानी रावण पर श्री हनुमान जी की सीख का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रावण ने देखा कि श्री हनुमान जी के पीछे मौत खड़ी थी। रावण ने श्री हनुमान जी को कहा, हनुमान पीछे देखो, तुम्हारी मौत आ गई है। श्री हनुमान जी ने देखा मौत वहाँ खड़ी थी। तब हनुमान जी ने सोचा कि
मुझे माता का आशीर्वाद है। तब हनुमान जी ने कहा, रावण मौत तो आई है लेकिन मेरी नहीं, तेरी मौत आई है। तब रावण ने क्रोधित होकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी। श्री हनुमान जी ने उलट पलट कर सारी लंका को जला डाला, फूंक दी लंका सारी। जिस अग्नि में, अब देखो हनुमान जी की लीला, दुनिया चले ना, हनुमान जी की बड़ी महिमा है। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है, एक बात मैंने समझ ली है, रावण मरे ना श्री राम के बिना, रावण मरे ना श्री राम के बिना, लंका जले ना हनुमान के बिना, लंका जले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था, कौन बूटी लाने के काबिल था, लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना, लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। हरण की कहानी सुनो, सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो, वापिस मिले ना श्री राम के बिना, वापिस मिले ना श्री राम के बिना, पता चले ना हनुमान के बिना, पता चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना,
सिंहासन पर श्री राम जी, बैठे सिंहासन पर श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। हनुमान जी सीता माता की खोज कर चुके हैं, हनुमान जी को पकड़कर मेघनाथ जो है रावण के पास लाया है, और रावण कहता है कि हनुमान तेरी मौत तेरे पीछे है। हनुमान जी कहते हैं मौत मेरे पीछे नहीं है, तेरे पीछे है। तब रावण ने क्रोधित होकर हनुमान जी की पूंछ से आग लगा दी। श्री हनुमान जी ने उल्ट पलट कर सारी लंका जला दी, फूंक दी सारी लंका। जिस अग्नि से सभी को जला डाला, वही अग्नि श्री हनुमान जी को शीतलता प्रदान कर रही। बोलो राम भक्त हनुमान की जय। मां से चिन्ह स्वरूप चूड़ामणि लेकर हनुमान जी भगवान के समीप लौट आए। जिनके रही भावना जैसी, जिन प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। बोलो राम भक्त हनुमान की जय। अभी आगे अगला प्रसंग एकनाथ जी का प्रसंग है, सुंदरकांड का प्रसंग चल रहा था। एकनाथ जी महाराज ने, एकनाथ जी महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत हुए हैं, कहा कि जिस समय श्री हनुमान जी लंका की अशोक वाटिका में पहुंचे तो वहां सफेद रंग के फूल खिले खिल रहे थे। ऐसा प्रसंग सुनकर एक सज्जन खड़े हुए और बोले, महाराज आप प्रसंग को ठीक प्रकार से बोलिए। उस समय वहां सफेद नहीं लाल फूल थे। एकनाथ महाराज ने कहा, मैं तो देख रहा हूं वही बोल रहा हूं, फूल सफेद ही थे। धन्य है ऐसे भक्त जो प्रसंग को यथा स्थान पहुंचकर कहें। उस सज्जन ने कहा, मैं कह रहा हूं फूल लाल होते हैं, यह कहकर देखते ही देखते मैं सज्जन श्री हनुमान जी के रूप में प्रकट हो गए और अपनी बात पर अडिग रहे। श्री एकनाथ जी भी अपने मत पर अड़े रहे। उस इस पर श्री हनुमान जी ने कहा, वहां तुम गए थे या मैं? श्री एकनाथ जी महाराज श्री हनुमान जी के दर्शन करके प्रफुल्लित हुए। वह विचार करने लगे कि फूल कैसे थे, यह बात अलग है। मेरी कथा में श्री हनुमान जी प्रकट हो गए, मेरी कथा सार्थक हो गई। बोलो राम भक्त हनुमान की जय। लेकिन वे अपने मत पर अडिग रहे कि वहां फूल सफेद थे। इस पर श्री हनुमान जी ने कहा, इसका फैसला श्री राम जी करेंगे।
श्री एकनाथ जी विचार करने लगे कि श्री राम श्री हनुमान जी के माध्यम से श्री राम जी को के दर्शन दुर्लभ अवसर मिला है, इसलिए इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। एकनाथ जी बोले, श्री राम का आप पर विशेष स्नेह है, आपके पक्ष में फैसला देंगे, इसलिए फैसला मेरे सामने होना चाहिए। हनुमान जी एकनाथ जी को लेकर श्री राम जी की शरण में पहुंचे। हनुमान जी बोले, भगवान ये कलियुग का कथाकार गलत कथा करता है, आप इसे समझाओ। मैं जब अशोक वाटिका में गया था उस समय वहाँ लाल फूल थे, जबकि ये फूल सफ़ेद बताते हैं। इतने में माता सीता जी ने कहा, वहाँ तो फूल सांवले थे, सांवले रंग के थे। एकनाथ जी वहाँ गए ही नहीं, और हनुमान जी तुम वहाँ कुछ ही देर रहे, जबकि मैं कई दिनों तक प्रतिदिन उन फूलों को देखती रही। फूल सांवले थे, तीनों ही अपने अपने वचन पर दृढ़ थे। श्री राम जी ने फैसला करते हुए कहा, एकनाथ जी जो कहते हैं वो ठीक है, वहाँ फूल सफ़ेद थे। एकनाथ जी प्रसन्नचित हो नाचने लगे। कलयुग में भी अगर भक्ता एकाग्र होकर निष्काम भाव से कथा करे तो त्रेता में जो हुआ उसे देख सकता है। हनुमान जी व सीता माता का चेहरा उतर गया। उन्होंने कहा, भगवान हमने जो देखा क्या वह गलत था? श्री भगवान बोले, हनुमान जितने एकनाथ जी ठीक हैं उतने ही आप भी ठीक हो। फूल तो वहाँ सफ़ेद थे, लेकिन वहाँ कुछ देर पहले रावण आया था और सीता को कुवचन कहे थे, जिससे आप क्रोधवश हो गए और आपकी आंखों में खून उतर आया और खून रूपी लाल आंखों रंग का चश्मा आंखों पर लगने से सफेद फूल आपको लाल नजर आए। तब सीता जी बोली, महाराज मैं तो वहाँ काफ़ी समय रही और मैंने फूल सांवले रंग के देखे। तब प्रभु बोले, सीते फूल तो सफ़ेद थे, लेकिन जिस समय पंचवटी में मैं सोने के हिरण के पीछे दौड़ने लगा, तब तुम मेरे सांवले रूप को निहार रही थी, जिससे तुम्हारी आंखों पर सांवले रंग का चश्मा चढ़ा था, जिससे तुम्हें फूल सांवले रंग के दिखाई दिए। मानव हृदय में जैसा भाव होता है वही भाव हमारे आंखें आंख वाणी व कान में आता है, उसी के अनुसार हमें संसार दिखाई देता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अगर हमारी दृष्टि ठीक नहीं तो सृष्टि भी ठीक नहीं दिखाई देगी। जैसे जो चोर है उसको सब चोर दिखाई देते हैं, वो सब चोर नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। इसलिए हमने अपनी दृष्टि अच्छी करनी है। दृष्टि अच्छी कैसी करनी है? सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी,
करहूं प्रणाम जोर जोग पाने मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता बोले प्रभु तुम गुरु पितु माता जाऊं कहां तजी पद जल जाता जाऊं कहां तजी पद जल जाता। हमारी दृष्टि में माता है सीता का रूप, सारी सीता माताएं बैठी हुई हैं, और पुरुष राम का रूप। अपनी दृष्टि अच्छी करनी है, इसलिए अपने हृदय रूपी सिंहासन पर सुमति का साम्राज्य रखने की चेष्टा रखनी चाहिए। हृदय पर सुमति, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। कथा समापत होत है सुनिए वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण कथा समापत होत है सुनिए वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण आरती श्री रामायण आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सिए पीकी कीरति कलित ललित सिए पीकी आरती श्री रामायण जी की आरती श्री राम गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख संकाय शेष अरुसार वरनी पवन सुख कीरति नीकी वरनी पवन सुख कीरति गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश चौं शास्त्र सब ग्रंथन कोरस छहो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस मुनि जन धन संतन को सरवस मुनि जन धन संतन को सरवस सार गावत संकट शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुगट संभव मुनि विज्ञानी अरुगट संभव मुनि विज्ञानी
अंबर जब खाने काल सुनी गरुड़ के ही जी गरुड़ के ही की कलिमल हरनी विषय रस पीकी कलिमल हरनी विषय रस पीकी सुभग सिंघार मुक्ति युवती सुभग सिंगार मुक्ति युवती दलन लोग भूरी अमीकी दलन लोग मोरी अमीकी आरती श्री रामायण जी की श्री रामायण जी आत्मा तो सब विधि तुलसी विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम शिमशिला भक्ति विधान गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवराजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी शिमशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णविंद की जय नामाचार्य शिलादास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय श्री धाम मायापुर धाम की जय श्री यमुना मई गंगा मई की जय श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय श्री साम वेद भक्तवृंद की जय श्री युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय संकीर्तन यज्ञ की जय हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय बोलो रामायण कथा की जय बोलो रामचंद्र भगवान की जय बोलो राम भक्त हनुमान की जय बोलो सभी भक्तन की जय बोलो सभी संतन की जय आप सबका धन्यवाद और अभी आपने भोजन प्रसाद पाना है भोजन प्रसाद पाने के बाद अपने घरों को जाना है बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय आपकी जोड़ में प्रार्थना है पांच मिनट रुकेंगे एक सूचना देनी है सबको बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय
सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलो शिला नित्यानंद पाद गोस्वामी जी महाराज की जय। बोलो बद्रीनाथ के संत जी महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। गुरुदेव जी ने अभी आपको भजन सुनाया।